मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। तो ये ऑक्सफोर्ड की कहानी क्या है, कैम्ब्रिज की कहानी क्या? क्योंकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड वाले ये दावा करते हैं ना कि हम तो 10वीं शताब्दी से चलाते हैं। तो ये जो ऑक्सफोर्ड था ना 10वीं शताब्दी में, एक तरह से थिएटर था। थिएटर समझते, जहां तलवारबाजी होती थी, तीरंदाजी होती थी, तलवारबाजी होती थी, कुछ नाटक वाटक खेले जाते थे, वो थिएटर था 10वीं शताब्दी में ऑक्सफोर्ड। और कैम्ब्रिज भी वैसा ही था। इनको यूनिवर्सिटीज का जो दर्जा मिला है वो तो 1760 के बाद मिला है, जब भारत से पैसा लूट लूट कर इन्होंने लंदन ले जाना शुरू किया। फिर उस पैसे से उन्होंने थोड़ा बहुत उसका बनाव सिंगार किया। स्कूल तो पहला 1868 में खुला और ये 1760 में थोड़ा वहां धर्मशास्त्र और बाइबिल की पढ़ाई शुरू हुई थी, लेकिन वो पढ़ाई आम आदमी के लिए नहीं थी, खास लोग ही पढ़ सकते थे इंग्लैंड। शिक्षा सबके लिए नहीं थी। राजा का बेटा, उनके जो कर्मचारी अधिकारी, वो ही पढ़ सकते थे, बाकी के लिए तो शिक्षा थी ही नहीं, पब्लिक एजुकेशन नहीं थी वहां।